हेलो फ्रेंड्स, आई एम शीबा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ आहा ग्लो फेस वॉश के बारे में। इफ़ आई स्टार्ट विद द पैकिंग, ये एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब पैकिंग में आता है, बिल्कुल भी फ्लिमजी नहीं है, काफ़ी स्टोरी पैकिंग है। आप इसको कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, यू कैन ईजिली पुट इट इन योर बैग, और आप इसको ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं या बाहर जा रहे हैं तभी भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये आता है 100 ग्राम के पैक में और ये है टॉरन फार्मा का प्रोडक्ट। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है सितंबर 2017 और इसका एक्सपायरी है 24 मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर। इसका प्राइस है 389 रुपीज़। देखते हैं और इन्होंने की इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, एलोवेरा 5%, ग्लाइकोलिक एसिड 1%, वाइटामिन ई 0.1% एंड दे आर इन जेल बेस। एलोवेरा जैसे हम सब जानते हैं इट हैज़ ऑल द गुडनेस ऑफ बेनिफिट, उसके कोई भी डाउन साइड नहीं है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है हमारी स्किन को, वो प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सफोलिएटिंग दी अपर स्किन ऑफ आर डेड स्किन, और वाइटामिन ई हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत मदद करता है, और उन्होंने बाकी कॉम्पोजिशंस भी दिए हुए हैं। इस फेस वॉश का मेनली काम है कि ये हमारे स्किन के जो अपर लेयर होता है उसके जो डेड स्किन होते हैं उसको रिमूव करता है, दे बाय प्रोवाइडिंग यू विद अ रेडियंट लुक, और ये हमारे जो भी सुपरफिशियल रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइन्स होते हैं, उनको वो कम करता है, और हमारे स्किन के जितने भी अनइवन स्किन टोन है या स्किन के टेक्सचर है उसको अच्छे से इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। इट विल नॉट क्लॉग आर पोर्स, और हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, अच्छे से क्लेंस करेगा। और आपको इसको लगाना है सुबह शाम, आप लगा सकते हैं इसको। इसके जो मिनी कैप्सूल्स है उसके साथ ही आपको लगाना चाहिए। इसको अच्छे से बर्स करें, उसके बाद इसको लैदर करें, मसाज करें फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स एंड देन वॉश इट ऑफ। और इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, आपको एक दिन में इसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, यू हैव टू यूज़ इट रेगुलरली। ये एक डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड फेस वॉश है। ये आपको कहीं पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी फार्मेसी में आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है ये। इसका फ्रेगनेंस जो है बहुत ही फ्रूटी सेंट है जो कि आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा। वंस यू आर डन विद योर वॉशिंग योर फेस वो आराम से चला भी जाएगा। जो इसका एक ही डाउन साइड है वो है कि ये थोड़ा सा ड्राइंग साइड में आता है बिकॉज इट हैज़ ग्लाइकोलिक एसिड। तो आपको बस मॉइस्चराइजर लगाना है एक अच्छा सा, और उसके बाद एक सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन आपको स्किप नहीं करना है, आप अगर ये फेस वॉश नहीं भी लगा रहे हैं इट इज़ ऑलवेज मैंडेटरी दैट यू ऑलवेज पुट अ सनस्क्रीन ऑन योर फेस। एक अच्छा सा सनस्क्रीन हमेशा आप लगाना चाहिए ताकि आपके स्किन में और कोई डैमेज ना हो। बात इसके और, हाँ, ये एक पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, आप इसको डेली इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली हु हैज़ एक्ने पिंपल्स या माइल्ड एक्ने होता है जिसको भी, या पिंपल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है। जिसको भी एक्ने ख़त्म हो चुका है उनके जो पोस्ट मार्क्स होते हैं उसके हटाने में भी ये बहुत काम आता है ये। आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं एक डेली फेस वॉश के तौर पर, और ये काफ़ी आपको लास्ट करेगा, एक ट्यूब आपको एक 1.5 से 2 महीना आपको लास्ट कर जाएगा। एंड और इसके इसके सब अच्छे ही इफेक्ट है, पर्सनली आई फेल कि ये बहुत ही अच्छा है, ये आपके फेस का जो भी डलनेस है ये रिमूव बहुत अच्छे से करता है, आपका फेस वाकई में बहुत ही रेडियंट लगता है। कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि हाँ आपका स्किन का टेक्सचर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है इसके रेगुलर यूज से। तो मेरी तरफ से तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, यू कैन ट्राई फ्रेंड्स, आपके डेली बेसिस के लिए बहुत ही अच्छा है ये। इन केस मेरे को पर्सनली कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इन केस अगर आपको होता है कोई पिंपल्स या एक्ने कुछ एक्सट्रीमली आ जाते हैं इसको लगाने के बाद, तो मैं कहूँगी आप इसको स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ अगेन यू नीड टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर बिफोर बाइंग दिस, और बच्चों से दूर रखें इसको।
तो यही था मेरा आज का रिव्यू फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस, और कमेंट करना, कुछ सजेशन है तो मुझे सजेस्ट करना, अगर आप कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मुझे बताना, कमेंट डाउन कर लेना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्रिप्शन के साथ ही एक बेल आइकन होता है उसको प्लीज़ आप दबाएं ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है मेरे वीडियोस के मिलते रहे. सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट, एन्जॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.